The Lalan Top Show is brought to you by Dukan. इसका टेक्नोलॉजी का लफ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सकता है क्या? कैसे? खाता बुक QR पेमेंट, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया, खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। सबसे पहले ये बयान देखिए, फिर आगे की बात। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को MSP का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये सरासर झूठ है। मैं देश के किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं, किसी भी सूरत में MSP खत्म नहीं होगी। गजब किया तेरे वादे पर एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। दाग दहलवी का ये शेड सरकार और किसानों के झगड़े पर सटीक बैठता है। कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं MSP खत्म नहीं करेंगे, और किसान कह रहे हैं इस वादे पर एतबार किया तो फिर कयामत का इंतजार बचेगा। सरकार जिनको कृषि सुधार बिल कह रही है, वो तीनों बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुके हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी की देरी है, साइन होते ही एक्ट बन जाएगा। विपक्षी पार्टियां संसद में बिल पास होने से नहीं रोक पाई तो राष्ट्रपति से मुलाकात कर बिल को पुनर्विचार के लिए भेजने की मांग कर रही है। राष्ट्रपति के पास वीटो होता है, संसद से पास किए बिल को पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेज सकते हैं। विपक्ष को राष्ट्रपति से उम्मीद है और किसानों को आंदोलन से कि शायद इससे ही सरकार सुने। ये तस्वीरें आज पंजाब से आई। पंजाब के किसानों ने 3 दिन का रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति की अगुवाई में किसान आज रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। 14 ट्रेन सेवाओं को रोकना पड़ा सूबे में। उधर कांग्रेस ने पूरे देश में 3 बिलों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। किसानों का प्रदर्शन 25 सितंबर से और बढ़ने का अनुमान है। तो किसानों या विपक्षियों और सरकार का असल झगड़ा किस बात को लेकर है? झगड़ा है MSP को लेकर। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। फसल का वो न्यूनतम मूल्य जो सरकार तय करती है। विपक्षी पार्टियां और प्रदर्शनकारी किसान कह रहे हैं कि नए कानूनों से सरकार MSP को हटाना चाहती है। सरकार कह रही है कि ये झूठ है, भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। विपक्षी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हम कैसे मान लें? जो नए कानून आपने बनाए थे उसमें ये बात लिख देते कि MSP को नहीं हटाएंगे तो मान लेते। और इस टिप्पणी पर सरकार का ये जवाब आया। Sir Polami from India Today. My question is about MSP itself. Swadeshi Jagran Manch as well, for instance, has said that why can't you write it into the act itself? Guarantee MSP and guarantee that if anyone tries to buy produce at a price lesser than MSP, then it will be deemed illegal. ऐसा प्रावधान कभी एक्ट में रहा भी नहीं है, इसके पहले भी। सरकार MSP पर इतना छोटा जवाब ही देना चाहती है। जवाब ये कि पहले की सरकारों ने MSP पर कानून नहीं बनाया तो हम भी नहीं बनाएंगे। इस पर एक पूरक सवाल ये हो सकता है कि पहले की सरकारों ने तो ये 3 कानून भी नहीं बनाए थे। जरूरत पड़ी तभी तो आपको बनाने पड़े, तो अब अगर जरूरत है तो MSP पर भी कानून बनाया जा सकता है। पर MSP पर कानून बनाने की क्या जरूरत है? सरकार MSP खत्म कर देगी वाले दावे पर विपक्ष की बात माने या सरकार की जो कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है? इसके लिए जरूरी है कि हम मूल खोजें, इतिहास समझें। MSP की जरूरत हमारे देश के किसानों को क्यों पड़ी? 1950 का दशक, तब सरकार ने महसूस किया कि किसान बेहिसाब मेहनत करके अन्न उपजाते हैं, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो अच्छा भाव नहीं मिलता। जिस साल जिस फसल की अच्छी पैदावार होती है उसका भाव नीचे गिर जाता है। 1957 में समस्या को समझने के लिए फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी। इसके बाद 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सचिव लक्ष्मीकांत झा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। शास्त्री जी ये चाहते थे कि किसानों को फसल उगाने में जितनी लागत आती है कम से कम उतना तो मिले ताकि उनका घाटा ना हो। और फिर समाधान के तौर पर एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बनाया गया, जिसका नाम 1985 में बदलकर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कर दिया गया। वही नाम आज भी चल रहा है। क्यों बनाया था ये? लाल बहादुर शास्त्री सरकार ने तय किया था कि सरकार अनाज की एक कीमत तय करेगी ताकि अगर बाजार में कीमत गिरती है तो
तो सरकार उस तय कीमत पर किसानों से अनाज खरीद सके। सरकार के इस तय कीमत पर अनाज खरीदने को ही एमएसपी कहा गया था। अनाज खरीदने और भंडारण के लिए 1965 में एक और संस्था बनाई गई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI। अब सरकार जब गेहूं खरीदेगी या दूसरा अनाज तो उसको कहीं रखना भी होगा, फिर भंडारण के अलावा बंटवारा भी करना होगा, इसी के लिए FCI बनाया गया। और FCI बनने के बाद 1966 में गेहूं और चावल के लिए पहली दफा MSP तय हुआ था। तो आपने MSP का इतिहास समझ लिया, वही MSP वाला नियम आज भी चल रहा है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के आधार पर सरकार अब 23 फसलों का MSP तय करती है। MSP कितना होना चाहिए इसके लिए स्वामीनाथन कमीशन ने COP2+50 का फॉर्मूला दिया था। ये COP2 क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50% ज्यादा। सुनने में MSP वाला ख्याल सुंदर लगता है, लेकिन असलियत यह है कि देश में सिर्फ 6% किसान हैं जिन्हें अपनी फसल का MSP मिलता है, यानी ज्यादातर किसानों को इससे कम कीमत में अपनी उपज बेचनी पड़ती है, और इसमें भी एक रूपता नहीं है। MSP और पाने वाले किसानों में हरियाणा और पंजाब का नंबर अव्वल है, और वहीं पर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब बात यह है कि मोदी सरकार के नए कानूनों से MSP का झगड़ा क्यों शुरू हुआ। नए कानून और इसके पीछे की सोच को अगर एक लाइन में समराइज करें तो बात यह है कि मोदी सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार को लगता है कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा, किसानों की तरक्की होगी, कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी, किसानों को उपज पर ऊंचा भाव मिलेगा। और इसी तर्क के तहत सरकार इन बिल्स को रिफॉर्म बिल यानी कि सुधार कानून कह रही है। ये बिल्स लाने से पहले भी मोदी सरकार ने कई बार दोहराया कि प्राइवेट सेक्टर्स की हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र में कम है। आंकड़े दिए जाते हैं कि अभी 13% हिस्सेदारी है, इसे बढ़ाकर 30% ले जाना है। ये भी दलील कि कृषि की ग्रोथ रेट 4% के आसपास थी, फूड प्रोसेसिंग की ग्रोथ 1% के आसपास। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कानूनी बंधनों की वजह से प्राइवेट कंपनियां इस कृषि क्षेत्र को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रही या निवेश नहीं कर रही। पहला बंधन तो ये था कि सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर कानून बनाकर रोक लगा रखी थी, मोदी सरकार ने उसे हटा दिया। दूसरी बात, मंडियों में अनाज बेचने का नियम था, उसे भी हटा दिया। तीसरी बात, जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियां कच्चा माल, मजदूर और मशीनें लगाकर खुद पैदा करना चाहती हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल के जरिए गाइडलाइंस बना दी। तो अब देश में प्राइवेटाइजेशन आ रहा है खेती में, ऐसा लगता है। क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, 1991 से ही देश की अर्थव्यवस्था खोल दी गई थी। कुछ कानूनों से सरकार खेती की हिफाजत करती थी, सरकारी खरीद करती थी, तो यहां प्राइवेटाइजेशन कम था। लेकिन सरकार ने माना कि यही कमजोरी है जिसकी वजह से किसानों की तरक्की नहीं हो पाई। लेकिन किसानों का और विपक्ष का डर यह है कि भंडारण और खरीद का हक प्राइवेट कंपनियों को मिल गया तो सरकार खरीद कम करना शुरू कर देगी, MSP वाला फायदा घट जाएगा, और इसी बात को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार की दलील है ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन विपक्ष नहीं हो रहा कि ऐसा नहीं होगा, ये लिख कर दे दीजिए, कागज दिखा दीजिए, कानून में बता दीजिए। एक दलील और दी जा रही है, सरकार कह रही है कि नए कानूनों से किसानों को उपज का ज्यादा भाव मिलेगा। अगर वाकई ऐसा होगा तो सरकार को ये नियम बनाने में क्या हर्ज है कि MSP से नीचे कोई अनाज नहीं खरीद पाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर सरकार के नए कानून किसानों के भले के लिए हैं, तो किसानों के जो संदेह हैं उन्हें दूर कौन करेगा? सरकार को करना होगा, बात करनी होगी, समझाना होगा, और अगर किसानों के संशय दुरुस्त हैं तो उनकी चिंताओं को शामिल करना होगा। विपक्षी पार्टियां मान लिया राजनीति करती हैं, उनका काम है, लेकिन किसानों के संदेह को दूर करना तो सरकार का काम है। सरकार पक्ष और विपक्ष की नहीं होती, सरकार देश की होती है, और देश को ये तय करना है कि उसके किसानों की चिंता का क्या हल निकले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।